कैसे हो भाई सब? चलो, संडे की छुट्टी मिल गई बीच में। अब मैं आपको आगे प्रोसीड कराती हूँ चैप्टर 7। इसके अंदर अभी तक जो मैंने आपको दो वीडियोस सेंड किए हैं उसमें क्या किया है, रिवीजन पार्ट पढ़ा है, क्या ये डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वो बेसिक पार्ट पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कंजम्पशन फंक्शन, जो कि मैंने आपको उस दिन ऑनलाइन वाले सेशन में पढ़ाया था, बट आपके पास फिर उसकी वीडियो नहीं होगी, तो ताकि आपके पास इसकी वीडियो भी हो सके आगे के लिए, तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार ये बता रही हूँ, ठीक है? तो कंजम्पशन फंक्शन आपको बेसिक तो उस दिन समझ में आ ही गया होगा, प्लस जो अभी हमने एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर सॉरी टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर भी हमने यही चीज पढ़ी है। चलो हम कॉन्टिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको एक कर्व बना रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने एक्स एक्सेस पे ले रखी है इनकम, वाई एक्सेस पे ले रखा है कंजम्पशन। हम दो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वाई इनकम कर्व जो कि क्या होता है, हमारी 45 डिग्री लाइन भी होती है, और एक कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व हमेशा एक लेवल ऊपर से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि हम एक मिनिमम लेवल कंजम्पशन करते हैं टू सर्वाइव, जीने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो हम एक लेवल ऊपर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार। सी बार को क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, दोनों ही कर्व इंक्रीज कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, कंजम्पशन कर्व एक लेवल ऊपर है, यानी कि हम जीरो इनकम होते हुए भी कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। तो सिर्फ हम इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं कि कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, बिकॉज यहाँ पर क्या है, व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज सम लेवल ऑफ कंजम्पशन, कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय पर जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट नहीं है इनकम पे, वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके बाद जब हम प्रोसीड करते हैं आगे तो क्या हो रहा है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एज इनकम इंक्रीज देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? यानी कि क्या हो गया, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कंजम्पशन कर्व है वो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप है। क्यों है? बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था, हमारा कंजम्पशन डिपेंडेंट नहीं था इनकम पे, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कंजम्पशन कर्व इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। क्यों है? क्योंकि वो इनकम कर्व से डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो हम तीन सिचुएशंस देख रहे हैं इस कर्व पे सी और वाई के रिलेशन में, कि पहले यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, आपकी इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है, और यहाँ पर इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन है। तो हम क्या देख रहे हैं पहले वाले पार्ट में कि इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, कि हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम कमा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी इनकम कम होगी पर हमें जीने के लिए जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कंजम्पशन करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे, हमारी जो पहले की सेविंग्स है उनको खर्च करने लग जाएंगे। तो जब इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा होती है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम सफिशिएंट नहीं होती तो हम अपनी सेविंग्स को खर्च करने लग जाते हैं ताकि हम अपनी कंजम्पशन को पूरा कर सकें। इसके बाद है ये वाला पॉइंट जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम क्या है, इक्वल है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी इनकम है वो जस्ट सफिशियंट है टू फुलफिल अवर कंजम्पशन, इनकम सिर्फ उतनी है कि हमारी कंजम्पशन को पूरा कर सके, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा बचत नहीं हो रही, सेविंग्स नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इनकम ऊपर चली गई और कंजम्पशन कर्व नीचे है,
क्यों? क्योंकि इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन एक लेवल पे आके धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब इनकम ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन कम होगी, उस वाले पार्ट को हम कहेंगे सेविंग्स। क्यों कहेंगे सेविंग्स? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इनकम में से जो मनी बच जाती है कंजम्पशन करने के बाद भी, मतलब इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं और उसके बाद कुछ सेव भी कर लेते हैं, यानी कि क्या हो गया सेविंग पार्ट। यहाँ पर इनकम कम थी तो हम सेविंग्स खर्च कर रहे थे, इसलिए डिस सेविंग्स। यहाँ दोनों चीजें बराबर है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कर है, तो अब हम क्या कर रहे हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करने लग गए। ठीक है, आ गया समझ में? थैंक यू।